सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू एकेडमी। माय नेम इज अंकित ढींगरा एंड यहां हम बात करने वाले हैं मेजर अपडेट्स के बारे में, जो भी आपको सिलेबस रिडक्शन के ऊपर पता होना चाहिए फॉर क्लास 10 साइंस। ओके, सो अगर हम बात करें, देखो केमिस्ट्री के बारे में या अगर हम बात करें फिजिक्स के बारे में, तो अभी तक केमिस्ट्री में आपके 5 चैप्टर्स आपको देखने को मिलता है और आगे भी खैर ऑब्वियसली 5 चैप्टर्स ही देखने को मिलने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि आपका कोई भी चैप्टर जो है वो ओमिट हो जाए वहां से, ऐसा नहीं होने वाला है बिल्कुल भी अभी तक। As such, there is no official notifications from CBSE. जैसे ही official notification रहेगा आपका CBSE की तरफ से, I will update you. Okay, आपको इस चैनल पे अपडेट देखने को मिल जाएगा। बाकी अभी तक अगर बात करें, देखो रिडक्शन हो क्या सकता है, किस तरीके से रिडक्शन हो सकता है। देखो यार, फर्स्ट 5 चैप्टर्स की अगर हम बात करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करें, हम यहाँ पे 3rd चैप्टर मिलता है आपको। एसिड बेसिस की बात करें या अगर बात करें कार्बन कंपाउंड के बारे में, विच इज द बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या प्रायोरिटी के बारे में बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो वो सब बेसिक है आपका। तो इस चैप्टर में आप पढ़ के 8th क्लास में क्या पढ़ गया, मेटल नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में आपने पढ़ा है ना, तो मे बी दैट टॉपिक जो है वो वहां से हट सकता है बेसिकली। कि अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें, भाई व्हाट इज सोनोरिटी, व्हाट इज अगर हम बात करें मिलियबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब आपको बताए। तो ऐसे करते करते कुछ टॉपिक्स जो है वो रिमूव हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं मैं चैप्टर 1st से, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से कोरोजन टॉपिक के बारे में बात करें, है ना, आप पढ़ते हो उसको कोरोजन टॉपिक को, वहां पे वो सेम टॉपिक चैप्टर 3rd के एंड में भी है मेटल नॉन मेटल्स में, तो मे बी ये सब चीजें जो है वो थोड़ी बहुत कम हो सकती है वहां पे। तो इस तरीके से सिलेबस रिड्यूस होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका पूरा का पूरा कार्बन कंपाउंड हटने वाला है या पूरा का पूरा मेटल नॉन मेटल्स व्यर्थ है आपके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, एंड सेम गोज विद फिजिक्स, बिल्कुल नहीं है ऐसा, आपको सभी पढ़ना है अभी तक के लिए। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, है ना, मैग्नेटिज्म बात करें, यार आपका बेस बनाएगा ये सब मिला के फिजिक्स में। 11th 12th फिजिक्स पढ़ते हो, ये सब बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ये नहीं पढ़ोगे ये सब वोमिट हो जाएगा, तो कैसे चलेगा आगे जाके। सो यस, आपको अभी तक पूरा पढ़ना है, कोई भी चीज जो है वो नहीं स्किप करनी है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा कि भैया रिडक्शन आपको 30% मिलता है, 25% रिडक्शन ऑफ सिलेबस देखने को मिलता है, आई विल अपडेट यू ऑन दिस चैनल। तब तक के लिए फॉलो करो यार इस चैनल को, सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन होती है, कोई भी वीडियो रहता है हर एक सब्जेक्ट का, वो आपको देखने को मिलता है।